पहला लंच मायशू के, पहले लंच में मायशू लेके जा रही है आलू का पराठा। ठीक है, आलू का पराठा बन रहा है। हाँ बाइक पे जाएंगे, चलो बाय। रह लोगे ना? बुरा लग रहा उसके लिए, दो घंटा के लिए छोड़ोगे इसलिए? होता है, मुझे भी आ रहा था ना, मैंने भी कंट्रोल कर लिया। अजीब सा लग रहा है कि वो लास्ट में जाते हुए गलती गई। वेरी स्पेशल डे, अभी अच्छे से नींद नहीं खुली है, बस मैं उठ के आई हूँ। और मैं यहाँ पे मैं सो रहा है, दोनों पापा बेटी मायशो को मैं अच्छे से पहले दूध पिला रही हूँ उठने से पहले। फिनिश, अब मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलो। अभी फिनिश नहीं हुआ मायशी, गुड मॉर्निंग कह दो मम्मा को प्यार से, बोलो मेरी प्यारी मम्मा गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलती हो ना? अच्छे से बोलो, अच्छे दोबारा से बोलो गुड मॉर्निंग बाश। और प्यारी मम्मा नहीं हूँ मैं आपकी, तेज बोलो ना। हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा नीनी में है मेरा बेटा, आजा हाथ दे, हमें लेट हो रहा है, स्कूल जाना है। मायशा लंच में क्या लेके जाएगा? नहीं दुकान पे लंच नहीं सोनू, दुकान पे थोड़ा ना लंच, घर से लंच लेके जाएंगे। देखो मम्मा ने आपको उठा ही दिया जल्दी, और हंसते हंसते उठा दिया। चलो मायशा रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है। नहला दूं बच्चा? जल्दी जा यार ना, चलो खड़े हो, खड़े हो। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मासा ट्यूबर। आज मायशा के लिए बहुत स्पेशल दिन है, और उससे ज्यादा तो हमारे लिए मैम जो इसके मम्मी पापा हैं, क्योंकि आज से मायशा की स्कूलिंग स्टार्ट हो रही है एंड वी आर सो हैप्पी। पर हम बहुत ज्यादा वैसे भी हो रखे हैं, मतलब अंदर ही अंदर, कि हम अपने बच्चों को अकेला छोड़ेंगे कैसे छोड़ेंगे। बस यूनिफॉर्म ही मिली नहीं है, वो नेक्स्ट वीक मिलेगी, तो आज से कैजुअल्स में ही जाएगी मायशा। हमने इसको एडमिशन दिलाया है प्री नर्सरी में, तो मायशा प्री नर्सरी में गई प्ले के लिए। वो कह रहे थे कि बड़ी हो गई आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे बच्चे का, क्योंकि मायशा 2.5 साल की हो चुकी है, तो इसलिए मैंने उसको प्री में कराया और वो काफी एक्टिव अच्छे से बातचीत करती है। मायशा को आज मैंने काफी जल्दी उठाया, उसके 9:00 से स्कूलिंग स्टार्ट है, बस उसको रेडी करने जा रहे हैं। और लंच आज मैं फाइनली लंच बनाऊंगी, खैर बहुत सिंपल सा लंच है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, वेरी गुड। अब इधर इधर वाले टीथ को भी क्लीन करो, इधर वाले टीथ को भी अच्छे से दांत ब्रश करो। वेरी गुड, टीथ ब्रश करते हैं ना, गंदे थे? हाँ गंदे थे ना, मायशा बहुत अच्छे से ब्रश कर देती है। मम्मा कर देंगी एंड मम्मा कर देंगी ना, हम लेट हो रहे हैं। आज मेरा बच्चा पहले दिन स्कूल में ये वाले कपड़े पहनेगा, प्रीटी क्वीन। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आपके चक्कर में सब गर्म, पापा भी जल्दी उठ रहे हैं। आज मायशू डायपर पहनना पड़ेगा एक एक हफ्ते के लिए। मायशु मैम को अगर आपको टॉयलेट आएगी ना तो मैडम को बताना, ठीक है? ठीक है, एक हफ्ते के लिए बोला गया है कि इसको डायपर पहनाना पड़ेगा। उसकी जब टॉयलेट आती है वो बताती है कि बाबा वॉशरूम जाना है, टॉयलेट आ रही है, सुसु आ रही है, पर नहीं मैडम को ना बोल पाए हेजिटेशन के चक्कर में, तो इसलिए डायपर एक हफ्ते के लिए पहनाना पड़ेगा। पिंक 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 बॉटल है आपका, पिंक लंच है, पिंक कपड़े, सब कुछ पिंक पहन के जाएगा मेरा बच्चा। मायशु सबसे सुंदर बन के जाएगा ना, जब अगर आप सुंदर बनोगे नहीं तो आप दर्द नहीं कर रही हूँ मैं आपको, देखो मैं बिल्कुल दर्द नहीं कर रही हूँ मायशु को, मैं दर्द ही नहीं कर रही। नहीं कोई दर्द नहीं हो रहा मायशु, बस हो गया मायशु, दो मिनट जल्दी, दो मिनट जल्दी 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 मायशु जल्दी जल्दी। कौन सी क्रीम है वहाँ पे? ऊपर क्रीम नहीं है, आप समझते क्यों नहीं हो बेटा? वो वाली देखो, वो वाली क्रीम, वो वाली क्रीम अच्छी वाली, हाथ में ले लेना, चलो जल्दी आओ। मैम को नायका वाली क्रीम बस, एक 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 बस, चलो अब पापा से अपनी क्रीम लगवाओ, गो गो चेहरे पे लगवाओ और हाथ पे लगवाओ। अरे ले रही है ये गिरी, पहले दिन स्कूल रोके जाएगा क्या? ठीक है आपको और मिलेगा, ये लो, पहले दिन ही रोके जाएगा, थोड़ा सा लो, थोड़ा सा, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता है। अब क्रीम लगाओ, ठीक है? चलो अब लंच पैक करूँ मैं आपका, दादी बहुत सारे फ्रेंड्स है, बहुत सारे गेम्स है जो मैम के साथ आप खेलती हो। चलो फर्स्ट गेम ले लेना, आपकी चोटी इधर उधर हो रखी है, सही कर दो। आओ 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 उजले, दूसरा गेम देते, चलो
आज पहले लंच, पहला लंच मायशू के, पहले लंच में मायशू लेके जा रही है आलू का पराठा। ठीक है, आलू का पराठा बन रहा है। ये तो जाते हैं ब्रेकफास्ट में उसे खाना है, फिर ये लंच में खाना खाना है। पर हमें साफ सेक्शन है कि कोई भी लिक्विड आइटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैसी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बच्चे को सिखाने में मैसी हो जाएगा। तो पराठा, सैंडविच कुछ भी हो सकता है, तो उसको खाने की हैबिट स्कूल वाले डलवाएंगे सुबह। ऐसे ऊपर ऊपर नहीं, साइड साइड। हाँ ठीक है, बंद कर दो। बस एक फ्रॉक डाल दिया, वैसे यूजुअली गंदी नहीं करती, और शॉर्ट्स डाल दिए, डायपर डाल दिए, और इसकी एक डायरी डाली है मैंने। अब मायशु को मटके में खाना है। थोड़ी पेस्ट करनी पड़ेगी दही चीनी। अभी साथ चलेंगी स्कूल आपके, ठीक है? मम्मी आ रही है, मम्मी चेंज करके आ रही है कपड़े। बाइक को क्या? बाइक पे जा, दादी को नहीं लेके जा रहे? दादी को ना लेके जा, बोल दादी नहीं जाती स्कूल। दादी को हगी करो, जल्दी से। ड्रेस पहन के जा, अभी ड्रेस मिली नहीं, अगले हफ्ते मिलेगी ड्रेस। हाथ, अरे उधर मुंह करके आ गई, इधर वेरी गुड। दादू, दादू मायशू का पहला दिन है स्कूल का, हगी करो दादू को। रुक जाओ, हाथ दो मेरे को, हाथ पकड़ा। अच्छा, अच्छा। अरे शूज निकल गया। चलो रो गई। चलो बाय, रह लोगे ना? जाओ गेम खेल लो। बुरा लग रहा उसके लिए, दो घंटा के लिए छोड़ोगे इसलिए? होता है, मुझे भी आ रहा था ना, मैंने भी कंट्रोल कर लिया, मैं तो अपने आंसू रोक गया। चले बच्चे, देखो बोलते हैं कि मत जाओ, पर आज से उसकी नई लाइफ, नहीं आज से उसकी नई लाइफ स्टार्ट है, नहीं जाना शायद, कंट्रोल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दिल पत्थर बना कर जाना। तो बच्चे को अपने अकेले छोड़ना, मतलब पहले दिन अनजान लोगों के पास छोड़ना सबसे डिफिकल्ट मोमेंट होता है, सबसे डिफिकल्ट मोमेंट होता है। इसी चीज़ का ही मतलब अजीब सा लग रहा है कि वो लास्ट में जाते हुए गलती हुई, हाँ कि पापा मम्मी मत जाओ, चलो कोई नहीं चलते हैं। चाह के बिना बिना रोए आप छोड़ नहीं पाओगे मायशु को, आप जीगू को भी, कि वो बच्चा बोलता मत जाओ और हम उसे झूठ बोल के आ गए। हाथ देख रही थी, झूठ बोल के आ गए कि आ रहे रोई नहीं, पर वही थी ये रोई। क्यों? तू क्यों? अब धड़ कैसे खुलना बेचेगी? रोई तो ना। रोई तो नहीं, पर ये है कि अब ना रोए, पीछे से रोएगी, सारे बच्चे पीछे से रो रहे थे। आज तो हम मायशू को बहुत एक्साइटेड थे स्कूल के लिए, तो मायशू को छोड़ा स्कूल और वो रह भी गई। कल का मुझे पता ही, कल वो नहीं जाएगी, कल उसको ये लगा कि बाबा मम्मी मुझे छोड़ के चले गए, तो इसलिए जिनके ये बच्चे छोटे हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, अब तक उनका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत बहुत ही ज़्यादा आपका डिफिकल्ट मोमेंट होने वाला है, रिकॉर्ड कर लेना लाइफ टाइम में एक बार ये।
और एक बार शादी, सेम फीलिंग आएगी आपको कि आप अनजान के पास अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हो। इसी चीज़ का रहता है कि जैसे वो हमसे बात कर पाती है, अपनी दिक्कत बता पाती है, पता नहीं अनजान बच्चे लोगों से बता पाएगी नहीं बता पाएगी टीचर से कि प्यास लग रही है, भूख लग रही है ना शायद। जाते 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 शायद आप मायशु को समझाया ना, बोल के आयो ना कि पानी के लिए बोल देना, पोटी भी तो आई होगी। डाइट पे हूँ आज से, मैंने सोचा आज से माशू स्कूल स्टार्ट है ना, तो आज से बिल्कुल डाइटिंग जिम वगैरह एकदम डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, माशू को भी डिसिप्लिन सिखाएंगे, जल्दी उठेंगे जल्दी सोएंगे सब कुछ जल्दी जल्दी करेंगे बिल्कुल एकदम। बहुत मस्ती कर ली तो आज से डिसिप्लिन लाइफ स्टार्ट कर देते हैं आज से। पर यार माशू के बिना घर बहुत खाली लग रहा है, पर अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है, 45 मिनट्स हो गए हैं हमें, पर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से हम 1.5 घंटे के लिए उसे छोड़े हैं, आप नहा लो फिर नहा के लेके आते हैं उसे, ठीक है इतने हो जाएगा 1.5 आवर हो जाएंगे ठीक है। उन्होंने एक डेढ़ घंटा ये बोला था कि 1.5 घंटे बाद आप आ जाना आज के लिए फर्स्ट दिन के लिए। देखो वहाँ जाके क्या माहौल बना रखा है हमारी मैडम ने, मायशु मैडम क्या कर रही है। A few hours later, मायशु को लाने का टाइम भी हो चुका है तो मायशु को लेने के लिए निकल रहे हैं मैं और शाह, मतलब 1 घंटा 20-25 मिनट हो चुके हैं, हमारा घर भी लगभग तैयार हो ही गया, काम चल ही रहा है अभी तो, पर इसमें बहुत टाइम लगेगा। अकेले हो गए थे, देखो आगे मम्मी पापा आ गए। नहीं 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 मैं बेटी नहीं, मेरी बेटी। आपने गेम नहीं खेला, कैसा था आपका स्कूल का फर्स्ट डे? क्या हो गया था मेरे? हाँ अभी तो चुप क्यों? तो चले बेटा, आपको कलर चाहिए? आपको कलर घर पे देंगे, चलो घर पे तेरे कलर देंगे ठीक है। आपने यहाँ पे क्या क्या किया बताओ, मम्मी पापा छोड़ के चलो। वेलकम मायशु, वेलकम बैक मायशु, घर बनना है जी वो जल्दी बताएंगे कि आपने स्कूल में क्या क्या किया। चलो 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 जल्दी चलो, अभी फोन रस्ते हुए थे हम बाहर ही खड़े थे, फोन आगे रो रही है, अभी रोई है घंटे बाद, अभी फोन आ गया था रो रही है जल्दी आ जाओ, अभी बिल्कुल अभी भी रोई है घंटे बाद। उन्हें पता है इसलिए उन्होंने घंटा ही बोला था, आपने बोला था। खड़े खड़े रो रही थी बच्चों के साथ, खड़ी थी रो रही थी। आप क्यों रोए बेटे? देख के आप गले लगा लिए। आपके लंच में भी चॉकलेट थी, आपने लंच देखा ही नहीं, वहाँ पे टीचर बता रही आपने लंच नहीं खाया। वेरी बैड ना, पहले आइसक्रीम नहीं मिलेगी, पहले जल्दी से खाओ। अरे घंटे में क्या ही लंच करेंगे यार, कोशिश तो उन्होंने की है देखो। चॉकलेट खा ली आपने? चॉकलेट खा ली, थोड़े से ग्रेव्स भी खाए हैं। एक दो सुना क्या, फिर से बताओ। चॉकलेट दे दी मैंने अपने फ्रेंड को, भी चॉकलेट दे दी। ओ भाई साहब, लो पहले एक। फिर मायशु को तो हम घर लेके आ गए हैं, छोटा सा ब्लॉग था, बहुत छोटा सा ब्लॉग था एक्चुअली। ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी नहीं, ये मैं बना रहा हूँ मायशु की याद के लिए। ये मेमोरी जो है ना, मतलब पहले देखो पहले के टाइम पे फ़ोन कैमराज इतना नहीं थे तो हमारी ऐसी कोई भी मेमोरी नहीं है, स्कूल की फ़ोटो या फिर जाने की या स्कूल की ऐसी कोई फ़ोटो नहीं है, बस मेमोरीज है जो थोड़ी बहुत याद है तो याद है, नहीं तो नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि मायशु की ऐसी कोई भी मेमोरी मिस हो, तो इसलिए बहुत छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया था। बाकी भाई बहुत ज़्यादा, अभी आपके अगर बच्चे नहीं हैं तो आप इस मोमेंट को कभी नहीं समझोगे, अगर आपका बेबी है या तो आप ये पल जी चुके हो या आपका ये पल आने वाला है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। सच बता रहा हूँ कि बहुत अलग फीलिंग होती है, बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे को छोड़ना किसी अनजान जगह पे किसी अनजान लोगों के भरोसे, और आपका बच्चा कह रहा था पापा मत जाओ मम्मी मत जाओ, इसलिए शायद भी रो गई और मैं भी बस रो ही गया था। पर वही कहते ना आदमी भाई रोता अच्छा लगता है, इसलिए अपना तो हम फीलिंग कंट्रोल कर गए, पर बहुत अलग फीलिंग थी। अगर कभी ये फील आपने किया हो तो बताना ज़रूर, या करने वाले हो तो देखना ज़रूर। कि मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अब तो डेली ब्लॉग आते रहेंगे और मायशु के यूट्यूब शॉर्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे जिसके अंदर हम मायशु को लंच में क्या दे रहे हैं, क्या पहना के भेज रहे हैं, सब कुछ एक नंबर। हाय गाइस, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, लव यू ऑल गाइस।